सो हे गाइस वेलकम बैक टू देखो एक गुड न्यूज है आप सभी के लिए क्या है वो गुड न्यूज की डी ने जो है थर्ड स्पेशल कट ऑफ का शेड्यूल अनाउंस कर दिया है एंड यार ये चीज थोड़ी न्यू हो रही है इस ईयर एंड मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि एक तरफ बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा और एक तरफ डी की सीट्स भी फिल नहीं हो रही है पता नहीं ही साल आया ये वाला बट अब क्या कर सकते हैं यार देखो जो है ये मैं आपको पिछली दो वीडियो से बोल रहा हूँ कि लास्ट कट ऑफ हो सकती है लास्ट कट ऑफ हो सकती है लेकिन सीटें इतनी बच रही होंगी तभी इन्होंने थर्ड कट ऑफ का डिसीजन ले लिया है एंड हाँ ये गुड एडमिशन नहीं लिया था डीयू में तो एंड तो दूसरा अपडेट है वो है एनसी वैब की ऑफ का तो अगर आपको एनसी वैब में आपने एडमिशन लेना है तो उसकी जो है एथ कट ऑफ रिलीज हो गई है तो वो आप चेक कर सकते हो लिंक आपको मिल जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम बात करते हैं यहाँ पे इस ऑफिशियल शेड्यूल के बारे में तो यार देखो बहुत ही ध्यान से पूरा शेड्यूल समझो एंड साथ में थोड़ी गाइडलाइन समझो कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है ठीक है ना देखो तो मेन चीज यहां पर यह कि जो आपका शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग

अप्रूवल दे देंगे एंड जो यहां है नेक्स्ट वो है लास्ट डेट ऑफ पेमेंट अगेंस्ट थर्ड स्पेशल कट ऑफ 31 दिसंबर को रात के 12 बजे से पहले जो है आप अपनी थर्ड स्पेशल कट ऑफ में फीस पेमेंट आप करवा सकते हो ठीक है ना तो ये बहुत सिंपल शेड्यूल है क्या है वैसे आप सब जानते हो कि जो स्पेशल कट ऑफ का बेसिक स्ट्रक्चर होता है बेसिक गाइडलाइंस होती है वो सेम ही रहती है बट फिर भी एक बार आपको बिकॉज यार देखो मेन चीज यहां पर कोई गलती आप ना कर दो गाइडलाइन सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अब बात करते हैं कर है, है इन गाइडलाइंस के बारे में द वेकेंट सीट्स फॉर ईच कोर्स प्लस कैटेगरी इन कॉलेजेस विल बी डिस्प्लेड ऑन दी वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बाय 10 एम ट्वेंटी दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी मंडे तो यार जो भी अब जैसे आपका पता होगा कि आपको जो है सेकंड स्पेशल कट ऑफ के बाद जितनी भी यहां पे आपके कॉलेजों और कोर्सों में सीटें बची हुई हैं सो उन वेकेंट सीट की डिटेल है वो डी जो है 28 दिसंबर को सुबह दस बजे रिलीज कर देगा एंड नेक्स्ट पे डिक्लेयर्ड सीट्स कुड वेरी सम एप्लीकेट कैंसिल देअर एडमिशन दस इंक्रीजिंग द सीट्स और सम जेन्युअन ग्रीवेंसिस आर एड्रेस दस डिक्रीजिंग दीट्स तो यार देखो जो फ्लक्चुएशन है सीट्स में वो हो सकती है एंड ये रीजन होते

कट ऑफ फॉर वेरियस कोर्सिस अवेलेबल अंडर ईच कैटेगरी फॉर अ कॉलेज हु वुड बी एडमिटिंग स्टूडेंट अंडर थर्ड स्पेशल कट ऑफ विल बी एवेलेबल ऑन दाइट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बाई ट्वेंटी एट दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी सो अट्ठाइस दिसंबर जिस दिन आपकी वेकेंट सीट्स की डिटेल्स आएंगी उसी दिन जो है आपकी कट ऑफ भी आ जाएगी कितनी कट ऑफ में आपको जो है एडमिशन मिल सकता है ओके okay. अब बात करते हैं कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है खाली वो ही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक किसी भी कोर्स कॉलेज के लिए किसी भी कट ऑफ में चाहे वो स्पेशल कट ऑफ क्यों ना हो चाहे वो स्पेशल ड्राइव ही क्यों ना हो अगर आपने किसी में भी एडमिशन नहीं लिया था डीयू के कॉलेज में एंड ये बात जो हो रही है इसमें जो है प्रॉपर आपको ध्यान रखना है ठीक है ना तो मेन चीज यहां पर यह कि इंक्लूडिंग एनसी वेब भी है अगर आप उसमें किसी में भी अगर एडमिट थे आप आपने कैंसिल भी करवा दिया था तो मेन चीज यहां पर यह है कि अगर आपने किसी भी कट ऑफ में एडमिशन लिया हुआ था डी में तो उस केस में जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते एंड अगर आपने किसी में भी नहीं लिया अभी तक एडमिशन किसी भी कट ऑफ में नहीं लिया तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो ओके okay, वैसे आप सबको पता है बिकॉज यही सेम स्ट्रक्चर फॉलो हुआ था फर्स्ट स्पेशल कट ऑफ में भी सेकेंड में भी और सेम ही अप्लाई होगा इस थर्ड स्पेशल कट ऑफ में भी ओके okay, अब बात करते हैं वर ऑलरेडी एडमिटेड इंक्लूडिंग एनसी वेब इन एनी कोर्स कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टी participate in the third special cutoff ध्यान से सुनो अगर आप किसी भी कोर्स कॉलेज में चाहे वो एनसी वाई क्यों ना हो किसी में भी अगर आप एडमिट हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो एंड इसका एक और निकलता मीनिंग की है मूवमेंट ऑफ एप्लीकेंट्स विल नॉट बी अलाउड एट मीनस कि आप अपने कॉलेज को शिफ्ट नहीं कर सकते हो ओके okay? तो ये चीज आप बहुत ही ध्यान से समझ गए होंगे ट्रांसफर एडमिशन नहीं कर सकते जो बिल्कुल न्यू है जो अभी तक एडमिशन नहीं लिया था वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ओके नेक्स्ट है यहाँ okay? पे एप्लीकेंट्स विल अपलाई टू अगल कॉलेज प्लस कोर्स एप्लीकेंट्स मस्ट इंश्योर दैट दे हैव केयरफुल चेक द नंबर ऑफ सीट्स वेकेंट इन द कोर्स प्लस कॉलेज दे आर अप्लाइंग टू अंडर देयर कैटेगरी क्योंकि यार मेन चीज यहां पर है कि जब लिस्ट आ जाएगी कितनी वेकेंट सीट है तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है ये कौन से कॉलेज में इतनी ज्यादा सीटें होंगी उसी में आप अप्लाई कर देना फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कॉलेज में दो तीन सीटें बची हैं और किसी में अगर 20-25 सीटें बची हैं सो इट्स बेटर कि आप उसमें लो जिसमें ज्यादा सीटें हैं बिकॉज इस स्पेशल कट ऑफ है क्या बात होती है इसमें अगर सीटें कम है और एप्लीकेंट ज्यादा है सो so उस केस में जिसका मेरिट ज्यादा होगा उसी को वो सीट दे, दे देंगे जिसका कम होगा उसको सीट नहीं मिलेगी ठीक है ना इसमें जो है आपका कह सकते हैं एक तरीके से कि ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता कि जितनों, जितनों ने अप्लाई किया है उतन को एडमिशन देना जरूरी है देखो आगे यहाँ पॉइंट लिखा हुआ भी होगा दिखाता हूं मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ है इनकेस देखो यहाँ लिखा हुआ नेक्स्ट पॉइंट यही है इन The number of applicants applying for a particular course in a college is more than the number of seats available.

डिसीजन आप आपको होगा नेक्स्ट है यहां पे इन केस ऑफ अ टाई फॉर अ सीट द फॉलिंग टाइपिंग रूल शैल बी अपलाइड तो मेन चीज यहां पर आपका बेस्ट फाइव अगर जैसे किसी का टाई हो जाता है कि दो की तो सेम से तो वो उनको देंगे जिनकी या तो बेस्ट फाइव ज्यादा है उसको या फिर सेकेंड रूल लगता है कि जो भी डेट ऑफ बर्थ जिसकी अर्लियर डेट ऑफ बर्थ होगी एज पर क्लास टेन सर्टिफिकेट उसको वो सीट दे देंगे ओके नेक्स्ट है यहां पर मेयरली अप्लाइंग अंडर दर्ड स्पेशल कट ऑफ दॉट गारंटी एंड एडमिशन टू देंट जरूर

एंड नेक्स्ट यहाँ पे कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए कोई भी अंडरटेकिंग या फिर एक्सटेंशन आपको एडिशनल टाइम नहीं मिलेगा सर्टिफिकेट यार आपके पास सर जो आपका वैलिड सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए ओके एंड अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी या फिर ईडब्ल्यू एस के लिए आ, के थ्रू आपने अप्लाई किया है तो आपके पास जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपका थर्टी फर्स्ट मार्च के बाद का होना चाहिए उससे पहले अवैल नहीं होगा तो आपको ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी पता ही ठीक है ना अब देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट बात ये लिखी हुई है वैसे भी, लेकिन फिर बता रहा हूं कि आप अगर एडमिशन कैंसिल करके अप्लाई करते हो तो यार वो स्ट्रेट अवे आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे बिकॉज स्पेशल कट ऑफ इज ओनली मैंड फॉर हु आर नॉट एबल टू बट तो किसी किसी नहीं तो हैलाउड नहीं, है, नहीं है तो कैंसिल करवा के अगर एडमिशन लेने जाओगे तो आपका वो एडमिशन तो गया, गया साथ में जो एडमिशन अप्लाई कर रहे हो वो भी कैंसिल कर देंगे बिकॉज ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्होंने किसी भी कट ऑफ में जो है अप्लाई नहीं किया था ओके तो मूवमेंट नहीं अलाउड है आप अपना एडमिशन ट्रांसफर नहीं करा सकते इस स्पेशल कट ऑफ में ये चीज आप ध्यान में रखना ओके तो यार यही थे गाइडलाइन सिंपल से डेट्स मैंने आपको बता दिया शेड्यूल बता दिया कब कब क्या क्या होने वाला है गाइडलाइंस अच्छे से मैंने समझा दिया तो यार अब ये चीज अच्छी है कि यार जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया था तो आपके पास एक और चांस है एंड मे बी ये लास्ट हो सकता है

कर दो अपने सारे ही दोस्तों के साथ एंड ऑल्सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सक्सेस विद संस्कार को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है अभी कर लो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी सो so, मिलते नई वीडियो में तब तो तक गुड बैंड है नाइस डे